जिस नर पे आफत पड़े बहरे सब आदर घट जा। तेरे जैसा यार जगत में मन टोहे से भी पाया ना। ए धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी धन्य स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया इसका बेस खत्म कर दे। क्या बात है, भाई टोटे खोटे जबर खड़े में, टोटे खोटे जबर खड़े में कौन सी बात सही को ना। दानों तक महताज सुदामा कौड़ी पास रही कोन्या। सब तरिया तोके देखा अपनी आल दई कोन्या। जितने दिन रहा मेरे धोरा तने माड़ी बात कही कोन्या। सब ढाला की कथा कही, सब ढाला की कथा कही पर घर का हाल बताया सुदामा। तैने तो नहीं बताया तेरे घर में टोटा, लेकिन मुझे सब बातों का भेद था। और सुदामा मन में सोच रहे थे कि मेरे तन के ऊपर फटे हुए वस्त्र, पैरों में जूती तलक टूटी हुई, नंगे पैरों और श्री कृष्ण जी महाराज फिर भी जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। ये देख करके भी मुझे कुछ धन नहीं दिया, ये दो चार वस्त्र दे करके मुझे यहां से विदा कर दिया है। मेरे परम आदरणीय दादा, जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है, दादा बब्बड़ जी गांव मोहम्मदपुर से, बाबा बब्बड़ बोहरा जी, दोनों कलाकारों को 500 रुपए देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और श्री कृष्ण जी महाराज मन ही मन सोचते हुए सुदामा के बारे में क्या क्या ख्याल कर रहे हैं। अरे सपने में मन तेरे से, हाँ सपने में मन तेरे से, मिस रानी लड़ती देख रही भूख प्यास में तेरे बच्चों की, आप उजड़ती देख रही घर घर धक्के खाए तने, तेरी हवा बिगड़ती देख रही पर मेरे धोरे तू जब आया तने दुनिया हड़ती देख रही। हो क्या तो बस हो गया तीन ईमान डिगाया ना, तेरे जैसा यार।
बाहर लेकर के साथ मुझे गाली देने शुरू करेगा और ये कहेगा कि तीनों लोगों का नाथ बना फिरता है लेकिन दिया कुछ नहीं। तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया कैसे? सब जानू तू बाहर निकलते ही, सब जानू तू बाहर निकलते ही, नैना नीर बहावेगा खाली हाथ भेज दिया मन सौ सौ गा सुनावेगा। कृष्ण जी को छड़िया ठगिया धोखे बाज बतावेगा, पर मेरे यार ओ मेरे यार मेरे जैसा तने यार ना ढोहे समय दो मुट्ठी चावल खाए थे। थोड़ा सा पर्दा ओट करते हुए देवताओं के लिए जो महल का निर्माण किया करते थे विश्वकर्मा भगवान जी को बुलवाया और इशारा कर दिया था कि जब तक मेरा यार सुदामा वापस अपने विदर्भ में पहुंचे उसके लिए ऐसा महल ऐसा मकान तैयार कर दो कि ये दुनिया वाले देख करके दंग रह जाए, पता लगे कि हाँ कृष्ण जी से यारी उस प्रभु से यारी करनी और उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना कितना सच्चा हुआ करता है, कितना अच्छा हुआ करता है। साथियों श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को तो भेज रहे हैं और कह रहे कि देख अब यहां से तू गाली देता हुआ जा रहा है, मन ही मन में मुझे भी पता है कि तू गाली दे रहा है लेकिन जब विदर्भ में पहुंचेगा तो तुझे मेरी यारी का एहसास होगा। सुदामा तेरे प्यार में व्याकुल होकर के मैंने तेरे वो दो मुट्ठी चावल ही खाए वरना भूखा एक टुकड़ा भी नहीं खाया मैंने अपने यहां से, तो तेरे प्यार में मैं इतना व्याकुल हो गया आज इतने दिन के बाद में तू आकर के मुझसे मिला। चौथी कली में क्या लिखा भला? विदर्भ देश पहुंच मेरे मिंतर तेरा चंगा हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे दाल बना दूंगा, हीरे मोती कणी मणि से माला माल बना दूंगा, दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल बना दूंगा। तेरे जैसा यार जगत में।